दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं और ये नाम कहां से आया है और भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारे देश की सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी सिंधु नामक नदी भी है। इस नदी का दूसरा नाम इंडस वैली है, जिसे विदेशी लोगों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडो शब्द का रूप मिला। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये नाम इंडिया में बदल गया। जब शुरुआत में भारत को इंडिया का नाम मिला तो इसे भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि यह विदेशियों द्वारा रखा गया नाम था और शुरुआत में इस नाम को कोई तवज्जो नहीं मिली। जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाई आई, इसीलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया शब्द का उच्चारण करने में अंग्रेजों को काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने भारत को इंडिया के रूप में नया नाम दे दिया। अंग्रेजों के शासन काल में इंडिया का नाम काफी प्रसिद्ध हो गया और लगभग सभी देश विदेश के लोग भारत को इंडिया के नाम से जानने लगे थे। तो इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ गया था। इंडिया नाम को पूर्ण मान्यता भारत की आजादी के बाद मिली थी। जब भारत आजाद हुआ, भारत के संविधान में भी इस नाम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भारत के लोग देश को इंडिया और खुद को इंडियन कहकर बुलाने लगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।